ये है MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर और इस वीडियो में मैं इसकी अनबॉक्सिंग, इसके कुछ फीचर्स और इसके इंस्टॉलेशन के बारे में बताने वाला हूँ, तो देखते रहिए। इस टाइप की बॉक्स पैकेजिंग में आता है और इस बॉक्स के ऊपर आपको इसके कुछ स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगे, जैसे LCD डिस्प्ले इसमें दिया हुआ है और 12 से 24 वोल्ट के पैनल के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं और इसकी अधिकतम करंट रेटिंग 60 एम्पियर की है। तो अब इस बॉक्स को मैं ओपन करके देख लेता हूँ इसमें हमें क्या मिलता है। सबसे पहले तो ये हमारा चार्ज कंट्रोलर है, ये रहा हमारा चार्ज कंट्रोलर, और इसके बाद ये रहा इसका यूज़र मैनुअल जो कि चाइनीज और इंग्लिश में भी है, समय मिले तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं। अब इस चार्ज कंट्रोलर को देख लेते हैं हम। इसमें जो कनेक्शन है प्लस और ये माइनस के, जो कि सोलर पैनल के हैं, और ये जो प्लस माइनस के हैं ये हमारे बैटरी के हैं, और ये जो प्लस माइनस है ये हमारा लोड, जो कि हम इसमें लोड लगाएंगे। दो ये USB पोर्ट दिए हैं इसमें, जिससे हम अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, और ये सेटिंग के लिए है, अपनी वोल्टेज को सेट करने के लिए। ये प्लस माइनस हम कम ज़्यादा कर सकते हैं इससे। हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं सोलर पैनल और बैटरी के साथ में, और फिर देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। ये रहा मेरा सोलर पैनल जो कि मेरे छत के ऊपर लगा हुआ है, और इसके कनेक्शन मैं अपने MPPT सोलर चार्जर में करने वाला हूँ। मैंने अपने सोलर चार्ज कंट्रोलर के पूरे कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। इसे मैंने अपनी बैटरी से जोड़ दिया है जो कि 12 वोल्ट की बैटरी है, और इसे मैंने यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव में दे दिया है इसके, जहाँ बैटरी का सिंबल दिख रहा है हमें। और इसमें दो सोलर पैनल के कनेक्शन आए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के, और ये हमारा लोड का कनेक्शन है। यहाँ पर वोल्टेज शो कर रहा है, बैटरी का वोल्टेज है जो कि 12.3 वोल्ट, और ये हमारा सोलर पैनल का वोल्ट है जो कि चार्जिंग कंडीशन में दिखा रहा है। यहाँ से पावर इसमें ट्रांसफर हो रही है बैटरी में, और बैटरी जो है वो आउटपुट में वोल्टेज देने के लिए तैयार है, ये जो इसका सिंबल दिख रहा है यहाँ पर। एक बात बता दूं आपको इसके बारे में कि सबसे पहले जब आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसके बाद बैटरी के कनेक्शन पहले कीजिए, ना कि सोलर पैनल के। अगर आप सोलर पैनल के पहले कर लेते हैं तो आपका ये चार्ज कंट्रोलर ख़राब भी हो सकता है, इसलिए सबसे पहले आप अपने बैटरी के कनेक्शन कीजिए, उसके बाद अपना पैनल फिक्स कीजिए। अब आपको इसकी वोल्टेज सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। यहाँ से आप बैटरी का मैक्सिमम चार्जिंग वोल्टेज सेट कर सकते हैं, और यहाँ से आप बैटरी का मैक्सिमम डिस्चार्जिंग वोल्टेज सेट कर सकते हैं, और इस सेटिंग से आप लोड के ड्यूरेशन को सेट कर सकते हैं, हमें कितने देर चलाना है इस। अब यहाँ से मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर DC जो 5 वोल्ट का आउटपुट है 2 एम्पीयर का, मैं यहाँ पर डाटा केबल लगा रहा हूँ और इससे अपने मोबाइल को कनेक्ट कर रहा हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि इससे मोबाइल चार्ज होता है या नहीं। मैंने इसे अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर लिया है, और ये हमारा मोबाइल फ़ोन चार्ज होने लगा है जो कि अभी 4% चार्ज है। ये देखिए इसके कनेक्शन। अगर आप प्लान कर रहे हैं चार्ज कंट्रोलर खरीदने का तो आप MPPT टाइप के ही चार्ज कंट्रोलर को खरीदें, PWM ना खरीदें, क्योंकि इसकी इफिशियंसी जो होती है 95% तक होती है और PWM की 70% होती है। तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि इसी टाइप के ही चार्ज कंट्रोलर को आप खरीदें। अगर आपको इसे खरीदना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो कि अमेजन पे अवेलेबल है, आप वहीं से इसे खरीद सकते हैं। अगर आपको इस चार्ज कंट्रोलर के बारे में और कुछ डिटेल में पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।